से कोई बता सकता है इन डल को क्या बनाता है? अरे स्टील नहीं बोला किसी ने? हिंडालको एल्यूमिनियम बनाता है, कॉपर बनाता है, और हमारा प्रेजेंस केमिकल्स सेक्टर में भी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंडालको के बारे में। हिंडालको एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट एक बिगर अम्ब्रेला के अंदर है। इसको हम लोग आदित्य बिरला ग्रुप बोलते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप में और भी दूसरी कंपनीज हैं, कोई नाम बता सकेगा? हिंडालको के अलावा और कौन कौन सी कंपनीज हैं? अल्ट्राटेक है, पीटर इंग्लैंड है, वोडाफोन आइडिया। गुड, आपका जनरल अवेयरनेस लेवल काफी अच्छा है। स्ट्रीमली हैप्पी टू डू दिस। कितने कॉन्टिनेंट है हमारे? सेवन। तो हम अंटार्कटिका को छोड़ के हट जाए। हो सकता है कुछ दिनों में अंटार्कटिका में कुछ कर ले। हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं ऑब्वियसली, बट वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। सो वी आर इन ऑल द सिक्स कॉन्टिनेंट्स एंड वी हैव प्रेजेंस इन 36 कंट्रीज। लोकेशंस की बात करें तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, जैसे आपका यहाँ पे हिंडालको रेणुकूट में है, रेणु सागर में है, पास में महान में है, उस तरह की यूनिट्स को अगर कंसिडर करें तो हम लोग ऑलमोस्ट 130 यूनिट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पूछ रहे थे, आज सुबह मॉर्निंग में डिस्कशन हो रहा था। तो वी हैव 1,40,000 एम्प्लॉइज। और एटलीस्ट आप सोच सकते हैं कि अराउंड 50% ऑफ दिस नंबर आर अगेन एसोसिएटेड विद अस इन वन वे और अदर। जैसे अगर हम रेणु फूड की बात करें तो अगर हमारे पास ऑलमोस्ट 9% परमानेंट एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ है, 4,000 से 5,000 लोग कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बट उसके साथ साथ हाउ वी आर एबल टू मेक डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अदर्स। एक जब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगता है तो उसको सर्व करने के लिए और भी दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है, एंसिलरीज इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है। तो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का सेटअप है हमारे पास, वेंडर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, बहुत से वर्कशॉप हैं, बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल्स देखें तो वहाँ पे उनका जो प्रोसेस होता है, जो मेन उनका कोर मैन्युफैक्चरिंग होता है ऑटोमोबाइल होता है, बट उनके जितने भी एंसिलरीज पार्ट होते हैं, टायर कोई और बना के दे रहा है, आपका स्टेयरिंग कोई और बना के दे रहा है, उनका जो ट्रांसमिशन सेक्शन है कोई और बना के दे रहा है, ठीक है। तो वो सब इंडस्ट्री साथ में डेवलप होती चली जाती है। गुड़गांव की बात करें आप या मानेसर की बात करें तो इम्पैक्ट उनका बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी एक इंडस्ट्री का अगर कोई मेजर इंडस्ट्री आती है तो आसपास में दूसरी इंडस्ट्रीज भी साथ में इंक्यूबेट होनी शुरू हो जाती है उसको सपोर्ट करने के लिए। हम लोग कौन सी नेशनलिटी के हैं? इंडियन। तो हमारे पास 99 और नेशनलिटीज भी हैं। इनिशियली हिंडालको सिर्फ इंडिया ऑपरेशंस में था। 2007 में हम लोगों ने नोवेलिस को एक्वायर किया। नोवेलिस बेसिकली जो हाई ग्रेड एल्यूमिनियम है, हाई प्योरिटी के एल्यूमिनियम जो एयरक्राफ्ट फ्रेम्स में लगते हैं, बोइंग को सप्लाई होते हैं, एयरबस को सप्लाई होते हैं, लॉकहीड मार्टिन को सप्लाई होते हैं,
उनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कितने लोग पेप्सी और कोक पीते हैं? कैन में कितने पिए हैं? तो वर्ल्ड में 90 कैन्स हमारी है इंडिया को। हम लोग तो बहुत कम प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डायरेक्टली कस्टमर्स के पास जाते हैं, हम लोग किसी बिजनेस को देते हैं, फर्दर वो उसको वैल्यू एडिशन करके बिल्डअप करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ग्लोबली अगर हम देखें तो एज अ हिंडाल्को वी आर नंबर वन इन रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी जब मैंने कैंस की बात की तो वी आर ऑल्सो नंबर वन इन रिसाइकलिंग ऑफ द एल्यूमिनियम। रिसाइकलिंग का क्या बेनिफिट है? वेस्टेज कम होता है, हम लोग रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इस तरह के मेटल्स होते हैं वो हम लोग कहीं ना कहीं माइनिंग से उसके रॉ मटेरियल्स को लेके आते हैं, ओर को लेके आते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट्स आवर एनवायरमेंट आवर अर्थ। लेकिन अगर बहुत सी चीजें अगर हम रिसाइकिल करते हैं, रीयूज करते हैं, तो इट डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑल्सो एंड ऑल्सो इट डिक्रीजेस द इट्स इम्प्लीकेशन, नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑन द एनवायरमेंट। सो वी आर नाउ वेरी मच डीप इन टू रिसाइकलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। एनर्जी ग्रुप में अगर बात करें तो हमारा एक और बिजनेस है बिरला कार्बन, एंड वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्बन। अब ये कार्बन लगता कहां पे है, कोई गेस करेगा? टायर्स, जो भी टायर्स होते हैं उसमें कार्बन का बहुत एक्सटेंसिव यूज। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, अभी किसी ने पीटर इंग्लैंड की बात की और बहुत से इंडस्ट्रियल जो क्लोथ्स होते हैं उसका जो बेस मटेरियल होता है वो कॉटन नहीं होता है, एक डिफरेंट तरह का फाइबर होता है, उसको VSF बोलते हैं, विस्कोस स्टेबल फाइबर, वो भी हम लोग नंबर टू पे हैं। और अभी किसी ने सीमेंट के बारे में बोला था, अल्ट्राटेक सीमेंट, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एट नंबर थ्री। अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, कोर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कहां काम हैं, फाइबर्स के बारे में बता दिया, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताया। नॉर्मली आपके पापा मम्मी घर पे क्या कहते हैं, कुछ काम करने जाते हो? नहीं कर पाए। ऑल द बेस्ट कहते हैं, वो तो विश करते हैं, और क्या कहते हैं? ध्यान से कहना, केयरफुली करना, और क्या कहते हैं? पूरा करके आना, पूरा करके आना, पूरा ईमानदारी से करना, ऑनेस्टी के साथ। तो स्किल के साथ जो लाइफ में दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ईमानदारी है। कई बार आप बहुत से ऐसे काम करते हैं और सोचते कि कोई देख नहीं रहा है, बैठे आपको बहुत अच्छा फील भी होता है कि मैंने ये कर लिया, किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने पकड़ा भी नहीं, बट आप तो देख रहे हो ना, आपका जो नजर है वो भी देख रहा है। तो कोशिश करो, हो सकता है 1-2% स्ट्रगल ज्यादा करना पड़े, 1-2 साल ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े, बट ऑनेस्टी का साथ हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए। शॉर्ट टर्म सक्सेस आपके पढ़ाई से, आपके एजुकेशन से, आपके लक से, आपके चाचा विधायक हैं उसकी वजह से हो जाएगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस
20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, उसके बाद जब आप लोग याद कर सके, आप जब इस दुनिया से जाओ तो उसके बाद आपको लोग याद कर सके कि आपने कुछ दिया हो, उनके लाइफ को अच्छा बनाने में हेल्प किया, उनको उनकी जर्नी में सपोर्ट किया, दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच यू विल बी. अच्छा लगता है ना सुन के कि हम टॉप फाइव में हैं और कुछ दिनों में टॉप थ्री में भी आने वाले हैं.
पर उसके पीछे क्या है? से पहले नॉर्मली जो हम लोग इकोनॉमी थे वो इम्पोर्ट और होते थे इकोनॉमी थे लेटर ऑन इन द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट वी वर नॉट प्रोड्यूसिंग हम सिर्फ इम्पोर्ट करते थे और बहुत शाम से बोलते थे इम्पोर्टेड घड़ी पहन रहे आईफोन भी इंडिया में बनता है चाइनीज गवर्नमेंट ने गुस्से में आके आईफोन बैन भी कर दिया हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में पता है कि नहीं दो दिन पहले टिमको गए थे वहां पे टेंशन के साथ फिर से कुछ डिस्कशन करने के लिए वहां पे से फिर सेल्स बढ़े तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्ट्रांग है कम्युनिटी बिजनेसेस स्ट्रांग है तो दे आर द बिजनेसेस विच ब्रिंग्स यू मोर मनी उसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है पर वो साइक्लिकली वो चलते हैं और एक स्टेबल ऑपरेशन प्रोड्यूस करते हैं उसमें बहुत ज्यादा आपका रिसेशन का इम्पैक्ट नहीं आता है बहुत ज्यादा फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है वो कंटिन्यूसली आपको ऑपरेशन के ग्रोथ इंजन में कॉन्ट्रीब्यूट तो जितने भी हाईली इंडस्ट्रियलाइज नेशन जहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी इकोनॉमी हमेशा स्ट्रॉन्ग ठीक है ये बात समझ में नहीं तो अमेरिका की इकोनॉमी क्यों स्ट्रांग है क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बहुत स्ट्रांग है जर्मनी की इकोनॉमी क्यों स्ट्रांग है क्योंकि कोई बहुत हाईली इंडस्ट्रियलाइज है तो जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल It provides employment opportunities for people and it also helps to increase the level of life expectancy of the people. हम लोग कई बार compare करते हैं कि अमेरिका में कितनी अच्छी सड़कें हैं वहां पे ये है ये सफाई वो सफाई वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकती बिल्कुल हो सकती वो प्रश्न की आधी शक्ति और अभी हम लोग ऑलमोस्ट उस ट्रैक पे हैं जब हम लोग We have again started focusing on our core infrastructures. Chahe electricity ki baat ho, power grid systems ki baat ho, road transportation infrastructure ki baat ho, railway tracks ki baat ho. Abhi recently northern DFC corridor inaugurated ho gaya hai. Wo logistics time mein 50% reduction kar raha hai. Jo coal is pehle belt se nikal ke jata tha. क्योंकि जब आपका कॉस्ट गिर जाएगा लैंडिंग कॉस्ट कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाएगा तब तक कॉस्ट ऑफ सर्विसेज भी कम से कम आप जिसके लिए पहले 2 रुपये पे करते थे आपको 1 रुपये पे करना होगा और इन गोरिल्ला ग्लास बनाने के जो मेन कंपोनेंट है वो एल्यूमिना पाउडर है और वो हिंडालको से जाता है फिर हमारे पास स्पिंगर्स हैं स्लैब्स हैं वायर रॉड्स हैं
इलेक्ट्रिफिकेशन में आपने देखा हो जो भी ट्रैक्शन वाल्व है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट करता है, तो उसमें दो कोर होते हैं, एल्यूमिनियम का कोर होता है और कॉपर का कोर होता है, दोनों